ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः श्रीचैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम सागरजातां सगन रघुनाथां वितमं तं सचित्वं स्वाद्वैतं सावदूतम परयन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम् सगन ललिता श्री विशाखानितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष्वाणु सुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाचा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतदानां पावने भ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे मुकम करो दी बाचाल बंगुम लंगाई ते किरमी अत्कृपा तम हम बंदे श्री गुरुदीन तारे ने परमानंद माधव श्री चैतन्य हरे कृष्ण वेलकम ऑल द डिवोटीज भगवत गीता कर रहे हैं एट श्लोक करेंगे नाइन्थ चैप्टर का आज प्रकृतिम स्वाम अवस्थाभ्या प्रकृति स्वामस्ट विसृजा पुनः पुनः विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम अवशम प्रकृति अवश्य प्रकृतिर्वशा प्रकृतिर्वशा ओके ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा कोई वॉलंटियर करेगा शुड आई रीड हाँ पढ़ ट्रांसलेशन द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी अंडर माय विल इट इज ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड अंडर माय विल इट इज एनहिलेटेड एट द एंड हरे कृष्णा तो कृष्णा फिर से बता रहे हैं कैसे ये सृष्टि जो है ये मैनिफेस्ट uh, होती है और इसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और ये सब किस तरीके से हो रहा है ये भगवान की के सुपरविजन के हिसाब से हो रहा है अंडर मी द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी आप कंटिन्यू करोगे कविता पोपट Papad, this material world is the manifestation of the inferior energy of the Supreme Personality of Godhead. This has already been explained several times. At the creation, the material energy is let loose as the Mahatattva into which the Lord, as his first Purusha incarnation, Mahavishnu, enters. He lies within the casual ocean. And breathes out innumerable universes. And into each universe, wow. the Lord again enter, enters as Garbhodakshaya Vishnu. Each universe is in that way created. He still further manifests himself as Shirodakshaya Vishnu, and that Vishnu enters into everything, even into the minute atom. This fact is explained here. He enters into everything. <gasps> हरे कृष्ण कृष्णा ओके तो यहां बताया जा रहा है कि ये जो सृष्टि है मटेरियल वर्ल्ड है ये भगवान की इंफीरियर नेचर है मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फीरियर नेचर तो ये हमने पहले पढ़ा था ना भगवान की सुपीरियर नेचर है और इंफीरियर नेचर है सुपीरियर नेचर इंक्लूड्स व्हाट कौन बताएगा सुपीरियर नेचर क्या है भगवान

तो महत्व इज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि सृष्टि की शुरुआत में जब डेड मैटर के अंदर मोड्स और मटेरियल नेचर एक्ट करने लग जाते हैं वो महत् होता है और महत्व में जब जीवास महाविष्णु जो है वो जीवा इसको रिलीज करते हैं तो फिर सृष्टि की प्रकृति की क्रिएशन शुरू होती है तो यहाँ पे क्या बताया एट द क्रिएशन द मटीरियल एनर्जी इज लेट लूज एज महातत्व इन टू विच द लॉर्ड एज एज फर्स्ट पुरुष इनकारनेशन महाविष्णु एंटर्स तो जो महातत्व है उसके अंदर महाविष्णु जो है वो कॉजल ओशन में कॉजल ओशन कारणा ओशन भी कहते हैं इसको संस्कृत में कारणा ओशन में है और यहाँ पे उनकी ब्रीदिंग से जब वो एक्सेल करते हैं तो कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं और हर ब्रह्मांड में जो महाविष्णु है वो गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में जाते हैं हर ब्रह्मांड में गर्भोदक ओशन होता है आधा उसके बीच में गर्भदक्षा विष्णु जो है वो विराजमान है और गर्भोदक्षा विष्णु के नेवल से ब्रह्मा जी लोटस टैम आती है और उसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं ब्रह्मा जी जो है वो तपस्या करते हैं और फिर सृष्टि का क्रिएशन का ज्ञान उनको मिलता है विष्णु जी से फिर वो सृष्टि को क्रिएट करते हैं और फिर हर कण कण में शीरो के रूप में विष्णु जी एंटर हो जाते तो ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस क्लियर हो गया सबको ये कैसे सृष्टि का क्रिएशन हो रहा है एवरीथिंग इज क्लियर यस नो यस प्रभु जी ठीक है ना सो oh, आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए हेलो हां जी प्लीज करिए करिए कृष्ण नाउ एज़ फार एज़ द लिविंग एंटिटीज आर कंसर्न्ड दे आर IMPREGNATED इनटू द मटेरियल नेचर एंड एज़ अ रिजल्ट ऑफ देयर पास्ट डीड्स दे टेक डिफरेंट पोजीशंस डस द एक्टिविटीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड बिगिन the activities of different species of living beings are begun from the very moment of the creation it is not that it is not all, it is not that all is evolved the different species of life are created immediately along with the universe men animals beasts birds everything is simultaneously created because whatever desires the living entities had at the last annihilation are again manifested it is clearly indicated here by the word avasam that the living entities have nothing to do with this process the state of being in their past life is the past creation is simply manifested again <clears throat> and all this is done simply by his will this is the incon inconceivable potency of the supreme personality of god and after creating different species species of life he has no connection with them the creation takes place to accommodate of living entities and so the lord does not become involved with it hari krishna hari krishna thank you for reading <laughs> तो पहले हमने यहाँ पे पढ़ा भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सारी की सारी सृष्टि जो है वो मेरे उससे चल रही है पूरा कॉस्मिक ऑर्डर जो मैन्यू जो सब क्रिएशन हो रहा है और मैनिफेस्टेशन जो होती है वो सब मेरे ऑर्डर से चलती है और मेरे ही ऑर्डर से ये मेंटेन होके फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है और पड़ में हमने पढ़ा कि कैसे सृष्टि की शुरुआत कैसे होती है कैसे सारे जो यूनिवर्सेस हैं वो आते हैं महाविष्णु से और तब जीवा जो है वो महाविष्णु की बॉडी में होते हैं और फिर वो महाविष्णु ग्लांस करते हैं महा तत्व पे और फिर वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाते हैं सारे लिविंग बींग्स अलग अलग यूनिवर्सेस में और अलग अलग यूनिवर्सेस में गर्भोदक्षा विष्णु होते हैं और फिर वैसे ब्रह्मा जी होते हैं और फिर शीरो विष्णु कर्ण कर्ण में होते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि अब जब लिविंग एंटिटीज को अलग अलग शरीर मिलता है तो ये कैसे मिलता है ये शरीर तो ऐसे मिलता है कि एनिहिलेशन के टाइम पे जब पिछली बार क्योंकि ये साइक्लिकल प्रोसेस है अभी सृष्टि बन रही है लेकिन इससे पहले सृष्टि जो थी वो वो टूटी थी वो एनिहिलेट हुई थी वो प्रलय आया था महाप्रलय और उसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था तो तब लिविंग एंटिटीज जो है वो महाविष्णु की बॉडी में चले गए थे लेकिन तब डोरमेंट रहते हैं वहां पे और जो भी उनकी इच्छाएं थी जो भी डिजायर्स थे उनके वो उन डिजायर्स के अकॉर्डिंगली नया शरीर मिलता है लिविंग एंटिटीज को तो उन डिजायर्स के बेसिस पे अलग अलग शरीर अलग अलग लिविंग एंटिटीज को मिल जाते तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई तो अलग अलग लिविंग अलग अलग बॉडीज जो थी वो सबको दी गई जैसी उनकी पुराने कर्मा है और जैसी उच्छे उनकी इच्छा है और ये सब साइमल्टेनियसली क्रिएट हो रहा है जैसे जैसे हैं, और इसमें कोई जीवा का आ, के जीव के वश में नहीं है इसलिए कह रहे हैं अवशम क्योंकि हमारे वश में नहीं है ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है हमारे पुराने एक्टिविटीज और डिजायर से तो हम कुछ ज्यादा इसमें कर नहीं सकते इस पूरे प्रोसेस में हाँ हम ये कर सकते हैं कि अभी हमारे को ह्यूमन लाइफ मिली है अभी हम डिसीजन ले सकते हैं अभी सही कार्य कर सकते हैं जैसे आप एक दस मंजिल की बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के टॉप पे जाके खड़े हो जाओ आप उस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े के खड़े होने के बाद आप देख सकते हो कि अरे काफी इधर उधर अच्छा व्यू है लेकिन आपके पास तब ये चॉइस है कि आपको बिल्डिंग से कूदना है कि नहीं कूदना आप सोचते हो कि हाँ भाई मेरे को कूदना नहीं है बिल्डिंग से तो वेरी गुड लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे कूदना है और एक बारी आप कूद गए बिल्डिंग से उसके बाद दस माले की बिल्डिंग से आप कूदे अब आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो और आठवे माले तक पहुंचे अब आप करो नहीं यार मेरा माइंड चेंज हो गया मैंने मेरे को नहीं नीचे जाना मेरे को वापस जाना है तो अब पॉसिबल नहीं है वापस जाना जब आप ऊपर से कूदने से पहले तब तक पॉसिबल था लेकिन हमने आपने छलांग लगा दी अब रस्ते में आप सोचो नहीं मेरे को नहीं नीचे जाना तो ये अब आपके हाथ में नहीं है अब आपके वश में नहीं है ये उसी तरह से जो ह्यूमन लाइफ हमें मिली है इसमें हमारे हाथ में है कि हाँ हम डिटरमाइन कर लें पे कि हमारे को भगवान चाहिए या मटेरियल वर्ल्ड में ही रहना है अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में ही रहें और यहीं पे करते रहे अपना जो साइकिल चल रही है तो फिर हमको अलग शरीर लेना पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ इस शरीर के बाद और वो हमारे कर्म और हमारे डिजायर के हिसाब से होगा लेकिन अगर हम अपने डिजायर्स को ट्रांसफॉर्म करके स्पिरिचुअल डिजायर बना ले और भगवान की सेवा में लगे और सीरियसली भगवान की सेवा करके पूरी तरह से प्योर हो जाए तो फिर ये शरीर छोड़ने के बाद हमारे को दोबारा कोई शरीर लेने की जरूरत नहीं है हम अपने प्योर स्पिरिचुअल फॉर्म में भगवान के साथ रह सकते हैं तो यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन की गई है फिर आगे बता रहे हैं द स्टेट ऑफ क्रिएशन इज सिंपली मैनिफेस्टेड अगेन की इच्छा अनुसार ये सिस्टम चल रहा है और ये फॉलो होता रहता है। इसको समझ नहीं सकते हम कि इसकी डिटेल्स इसको समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए तभी हमारे को ये चीजें क्लियरली समझ आएंगी नहीं तो हम अपनी इच्छा से लॉजिक लगा के ये सब लगा के बहुत ज्यादा चीजें एक्सट्रीम लेवल पे कंप्लीट डिटेल्स के साथ समझ नहीं सकते हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे को आ सकती है लॉजिक से लेकिन भगवान की कृपा की जरूरत है फिर हमें और क्लियरली समझ में आएगा फिर आगे बता रहे हैं एंड आफ्टर क्रिएटिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ ही हैज नो कनेक्शन विद देम क्रिएशन टेक्स प्लेस टू कॉमेशन तो जैसे लोगों की इसमें भगवान जो है वो कोई ऐसा नहीं कि भगवान अपने मन से दे रहे हैं हाँ भाई ये बंदा इसको ये शरीर दे दो इसको वो शरीर दे दो नहीं वो हमारे कर्मा के हिसाब से मटीरियल नेचर जो है वो डिसाइड कर रही है भगवान इसमें खुद इन्वॉल्व ही नहीं होते ये ऑटोमेटिकली उन्होंने सिस्टम स्टैब्लिश किया है और उनकी एनर्जीज जो है भगवान की शक्तियां जो है वो अपने आप कर देती हैं हाँ अगर कोई भगवान के शरण में आ जाए तो फिर वो फिर भगवान की पर्सनल अटेंशन उसको मिल सकती है इसीलिए कहते हैं डोंट ट्राई टू सी कृष्णा बट सर्व कृष्णा इन सच अ वे दैट कृष्णा वुड लाइक टू सी यू आप भगवान को देखने की प्रयास मत करो मगर इस तरीके से सेवा में लगो भगवान की कि भगवान को आपको देखने के लिए इच्छुक हो समझ में आ रहा है ओके yes, okay, तो ये हमारा श्लोक आज का हो गया ये वाला किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट, कोई पॉइंट है यहाँ पे तो हम ले सकते हैं ओके okay, तो नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं नाइन पॉइंट नाइन प्लीज रिपीट कीजिए नाच माम तानी कर्मानी निबधनती धनंजया निबधन 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 धनंजया धनंजया

Seated as though neutral, Krishna. अरे बड़ी समस्या आ गई यार इतनी सारी टेंशन हो रही है नहीं 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 भगवान इनसे बंधे नहीं होते भगवान डिटेच हैल न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं की भगवान जो है वो पक्षपात कर रहे हैं, कि किसी को कुछ दे दिया शरीर किसी को नहीं वो न्यूट्रल है जैसे एक जज होता है जज बैठा होता है अगर आप अच्छे चीजें आपने करी है तो आपको जज कुछ नहीं कहेगा अगर आपने कोई चोरी डकैती कोई जैसे गलत चीज करी है तो फिर जज का काम है सजा सुनाना तो वो आपको सजा सुनाएगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जज के सामने क्या कार्य करके पहुंचते हैं अगर हम वकील की तरह पहुंचते हैं तो हमारे you know, जज हमें सजा नहीं सुनाएगा आ, अगर हम चोर की तरह पहुंचते हैं और चोरी करी है हमने और प्रूव होता है तो वो सुनाएगा तो उसी तरह से भगवान का जो ये सिस्टम है इसमें भगवान न्यूट्रल है हाँ नेचुरली अपने डिबोटीज के लिए स्पेशल कंसीडरेशन है मगर वो सिस्टम में नहीं है वो एक्सेप्शनल केसेज हैं जो डिबोटीज है जो भगवान की शरण में आते है वो बाद में आएगा तो यहाँ पे न्यूट्रल है भगवान जब तक हम प्योर डिवोटी नहीं बन जाते तो माता जी आप कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर हां जी प्रभु जी वन शुड नॉट थिंक इन दिस कनेक्शन दैट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैज नो एंगेजमेंट्स इन हिज स्पिरिचुअल वर्ल्ड ही इज ऑलवेज एंगेज्ड In the Brahma Samhita 5.6, it is stated, Atma Ramasya, Tashya, Tasyasti, Prakrtiya na Samagamaha. He is always involved in his eternal blissful uh, sorry, blissful spiritual activities, but he has nothing to do with this, these material activities. Material activities are being carried by on by his different potencies. The Lord is always neutral in the in the material activities of the created world, the neutrality is mentioned here with the Lord, with the word Udasina Vat. Although he has control over every minute detail of material activities, he is sitting as if neutral. The example can be given on a, of a high court judge sitting on his bench. By his order, so many things are happening. Someone is being hanged. Someone is being put into jail. Someone is awarded a huge amount of wealth, but still he is neutral. He has nothing to do with all that gain and loss. Similarly, the Lord is always neutral, always although He has His hand in every sphere of activity. In the Vedanta Sutra two point one point thirty four, it is stated, Vaishamya nair grahanyena he is not situated in the dualities of this material world. He is transcendental to these dualities, nor he is att attached to the creation and inhalation of this material world. The living entities take their different forms in the various species of life according to their past deeds, and the Lord does not interfere with them. Hari Krishna. हरे कृष्णा ओके थैंक यू तो यहाँ क्या बता रहे हैं पर्पट जो हमने डिस्कस किया अभी कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की कोई एंगेजमेंट नहीं है वो हमेशा इंगेज रहते हैं लेकिन उनकी इंगेजमेंट यहाँ नहीं है मटीरियल वर्ल्ड में उनकी मेन एंगेजमेंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है कृष्णा बिजी है अपने ग्वाल वालों के साथ खेलने में वहां कितनी गेम चल रही है उनकी और उनको ये क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ये तो उनके विष्णु फॉर्म्स कर देते हैं ये काम कृष्णा को खुद इसके लिए बहुत ज्यादा आने की जरूरत नहीं है और विष्णु जी भी जो है वो भी खुद करने की जगह उनकी एनर्जी भी कर देती है जो शक्तियां हैं वो सब तरीके से अरेंज करके परफेक्ट बना देती है हर चीज तो भगवान की एक्टिविटीज जो है वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं डजेंट हैव टू डू एनीथिंग विद मटेरियल फिर यहाँ बता मटेरियल एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट बाय हिज डिफरेंट पोटेंसीज मैंने बताया ना एनर्जीज या पोटेंसीज और भगवान न्यूट्रल uh, तरीके से है इन सब चीजों में जैसे हाईकोर्ट जज का हमने एग्जाम्पल दिया तो उदासीन उसका मतलब न्यूट्रल और uh, <coughs> वेदांत सूत्र यहाँ पे कोट किया गया है। ही समर विंटर प्रॉफिट लॉस हैप्पीनेस डिस्ट्रेस ये ऑपोजिट चीजें जो होती हैं ये हमें अफेक्ट करती हैं। लेकिन भगवान इनसे रहते हैं। <clears throat> और भगवान जो है वो मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से अटैच नहीं होते हमें अटैचमेंट होती हमारी है क्योंकि मटेरियल बॉडी है है भगवान की ट्रू तो जो लिविंग एंटिटीज है वो अपने पुराने कार्यों के कर्मा के हिसाब से नए नए फॉर्म्स उनको मिलते हैं भगवान इस सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करते भगवान का ही तो बनाया हुआ सिस्टम है ओके तो यहां स्टॉप करते किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है इस श्लोक में तो तो ले लेते हैं नाइन पॉइंट नाइन ऑल राइट तो नाइन पॉइंट टेन चलते हैं इंपॉर्टेंट श्लोक है तो ये

ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे इसका कौन करेगा पढ़ने के लिए आई रीड मटेरियल नेचर व्हिच इज वन ऑफ वर्किंग अंडर माय डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग बींग Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Haribo. Should I read the purport also? Ah, pardon. Oh. <laughs> purport. It is clearly stated here that the Supreme Lord, although aloof from all the activities of the material world, remains the Supreme Director. The Supreme Lord is the Supreme. Will and the background of this material manifestation, but the management is being conducted by material nature. Krishna also states in Bhagavad Gita that all the living entities in different forms and species I am the Father. Sorry, 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 sorry. Krishna also states in Bhagavad Gita that of all the living entities in different forms and species, I am the Father the father gives seeds to the womb of the mother for the child and similarly the supreme lord by his mere glance injects all the living entities into the womb of material nature and they come out in their different forms and species according to their last desires and activities all these living entities although born under the glance of the supreme lord Take their different bodies according to their past deeds and desires. So the Lord is not directly attached to this material creation. He simply glances over material nature. Material nature is thus activated and everything is created immediately. Because he glances over material nature, there is undoubtedly activity on the part of the Supreme Lord. But he has nothing to do with the manifestation of the material world directly this example is given in smriti when there is a fragrant flower before someone the fragrance is touched by the smelling power of the person yet the smelling and the flower are detached from one another there is a similar connection between the material world and the supreme personality of god actually he has nothing to do with this material world But he creates by his glance and ordains. In summary, material nature without the superintendence of the supreme personality of Godhead cannot do anything. Yet the supreme personality is detached from all material activities. Hari-bhuj. Hari Krishna. तो ये बहुत इंपोर्टेंट लोग कहे माया द्वेष शैना प्रकृति सूयतेशा चराचरम हेतुना ने इनका उन्हें जगत भी परिवर्तते तो जो भगवान है वो बोल रहे हैं मैं अध्यक्षेन मतलब भगवान के अध्यक्षता में ही इज द सुपरटेंडेंट ही सबोर्डिनेस में है मदर नेचर प्रकृति प्रकृति मदर नेचर कई बार लोगों से पूछते हैं साइंटिस्ट से ये, ये कैसे हो रहा है वो कैसे वो कहते हैं मदर नेचर कर दी तो प्रभुपाद कहते हैं मदर नेचर ठीक है और फादर कौन है फिर फादर इज क्रिश् मदर नेचर फादर इचर भगवान कह रहे हैं इज वर्किंग अंडर माई डायरेक्शन अब देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर में कई चीजें माई पे आ गई है सीधा क्लियरली डायरेक्टली कृष्णा बोल रहे हैं माई माई माए किसी को डाउट नहीं होना चाहिए तो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ओ सनो कुंती प्रोड्यूसिंग ऑल मूविंग एंड नॉन मूविंग चरा चरम मतलब चलने वाले और ना चलने वाले दोनों बार बार तो पोपर्ट में क्या कह रहे हैं इट इज क्लियरली स्टेटेड लॉर्ड ऑल दो अलू फ्रॉम ऑल लिविंग एंटिटीज मटीरियल रिमेन्स सुप्रीम डायरेक्टर तो हालांकि अलग है वो लेकिन फिर भी उनकी अध्यक्षता में हो रहा है सब इज द सुप्रीम डायरेक्टर सुप्रीम लॉर्ड इज सुप्रीम एंड बैकग्राउंड ऑफ दिस दिसरियल मैनिफेस्टेशन बट द मैनेजमेंट इज बींग कंडक्टेड बाई मटीरियल नेचर तो मटीरियल नेचर वो सब काम कर रही है और कौन पीछे से उनको डायरेक्ट कर रहा है उनको पीछे से आ, कह सकते हो आप सुपरवाइज कर रहा है वो है कृष्ण लॉर्ड और गीता में कृष्ण ये भी बोलते हैं हम बीजा प्रदापिता आई एम सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी तो जो भगवान महाविष्णु के रूप में ग्लांस करते हैं आ, मदर नेचर पे उससे सारे के सारे ग्लांस में सारे लिविंग एंटिटी जो हैं वो इस मटेरियल वर्ल्ड में इंजेक्ट हो जाते हैं और फिर सृष्टि की शुरुआत होती है

तो हालांकि भगवान देख रहे हैं तो थोड़ी एक्टिविटी तो भगवान की तरफ से है लेकिन भगवान अप नहीं होते और डायरेक्टली इसकी एक्टिविटीज में नहीं पढ़ते स्मृति शास्त्रों में ये एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है या एक एनोलॉगी दी हुई है कि कैसे फ्लावर है उसके अंदर फ्रेग्रेंस है तो so फ्लावर और जो स्मेल कर रहा है फ्लावर को वो थोड़े दूर होंगे वो एकदम टच नहीं कर रहे उसके अंदर नहीं जा रहे लेकिन फिर भी स्मेल पहुंच रही है उसी तरह से भगवान जो है पूरी तरह से टच नहीं कर रहे प्रकृति को लेकिन सिर्फ ग्लांस से ही वो इंजॉय कर रहे और भगवान जो है इस सिस्टम जो उन्होंने बनाया है उसकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर करते नहीं है लेकिन उनकी सुपरसेंस के अलावा प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती तो भगवान जो है, वो एंड ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर एनहिलेटर और ये सारी सारी करने के लिए अंडर द लॉर्ड तो जो ब्रह्म समिता है उसमें ऐसे ही बताया गया है दुर्गा देवी जो भगवान की शक्ति है एनर्जी है एक्सटर्नल एनर्जी वो सृष्टि को चलाने में आ, सेवा कर रहे हैं और भगवान आ, के कृष्ण के आदेश अनुसार उसमें बताया सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव विवर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपा ते, गोविंद मादिपुरुषम तम हम भजामी तो लॉर्ड ब्रह्मा वो बता रहे हैं कि वो गोविंदा उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा माँ अपने आप को चलाती हैं और सारी सृष्टि की वो करती हैं क्या कहते हैं कंडक्ट फंक्शनिंग को कंडक्ट करते हैं ऑल राइट right. तो ये श्लोका जो है इसको आप कोशिश कीजिए मेमोराइज करने के लिए किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट है हमने नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट नाइन और नाइन पॉइंट टेन तीन श्लोक किया आज इसमें से कोई कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा नाइन पॉइंट एट में सृष्टि की क्रिएशन जिन लोगों को नहीं पहले पता थी उनको पता चल जानी चाहिए देखो बहुत ब्रीफ में दी गई है इसकी ऑल डिटेल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं आगे भी हम करेंगे भागवतम में और ज्यादा डिस्कशन है इसके बारे में लेकिन ये शॉर्ट में दिया हुआ है कि कैसे अलग अलग क्रिएशन हो रही तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं क्विज में भी ये सब क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे तो आप ध्यान दे सकते हैं उसके लिए ऑल राइट सो शुड बी एंडेड हेयर फॉर टुडे किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट ओके थैंक यू हम ये पे स्टॉप करते हैं ग्रंथ राज भगवत गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय